भारत में विशेष स्थान पर पाई जाने वाली लाल चंदन की लकड़ी का खासा महत्व है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई है। यह फिल्म शेषाचलम जंगल में पाए जाने वाले लाल चंदन की तस्करी पर आधारित है, जो करोड़ों रुपए की बिकती है। फिल्म में एक मजदूर के करोड़पति बनने की कहानी को दिखाया गया है। बता दें कि असल जिंदगी में भी लाल चंदन काफ़ी कीमती माना जाता है, साथ ही इसकी तस्करी करते पकड़े जाने पर 11 साल की जेल का प्रावधान है। लाल चंदन के पेड़ दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश की शेषाचलम पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ये पहाड़ियाँ तमिलनाडु की सीमा से लगने वाले आंध्र प्रदेश के 4 जिलों नेल्लूर, कुल्लूर, चित्तूर, कड़प्पा में हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसे लाल चंदन के पेड़ नहीं होते हैं। यही कारण है कि पूरी दुनिया में लाल चंदन की लकड़ी काफ़ी महंगी बिकती। जानकारी के अनुसार 1 किलो चंदन की कीमत 90,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक बचाई जाती है, यानी 1 कुंटल की कीमत 9 करोड़ से लेकर 15 करोड़ रुपए तक हो सकती है। लाल चंदन के पेड़ दुनिया भर के लिए दुर्लभ हैं। इसकी एक गठरी भी आपको मालामाल बनाने के लिए काफ़ी है। यही कारण है कि इस बेशकीमती लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिए इलाके में एसटीएफ के जवान की तैनाती रहती है, जंगल पर सैटेलाइट से नज़र रखी जाती है। तो दोस्तों, यह छोटी सी जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों।